Hi, मैं हूँ गीता कपूर. This is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. India's best dancer पर इस हफ्ते होने वाला है एक और एक 11 का चैलेंज. पहली बार जजेस देने वाले हैं बेस्ट से बढ़कर परफॉर्मेंस को 33 का स्कोर, जिसे जीतकर डांसर्स हो जाएंगे एलिमिनेशन से सेफ. मेश्वरी, ये बनता है तेरे लिए. तूफान परफॉर्मेंस था. आज है इंडियाज बेस्ट डांसर का पहला एलिमिनेशन वीक, जहां जजेस ने डांसर्स के सामने रखा है एक और एक 11 का चैलेंज. इस चैलेंज में हम डांसर और कोरियोग्राफर की जोड़ी में मूव्स, एंटरटेनमेंट, न्यूनेस, टेक्निक के अलावा हम देखना चाहते हैं उनकी पावर, जो एक और एक को दो नहीं, एक और एक को 11 बना सकती है. अगर कोई भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा तो हम उन्हें 10 के बजाय 11 का स्कोर देंगे, यानी कि 33. अगर 33 का स्कोर कोई भी कंटेस्टेंट पा लेता है, इसका मतलब है कि वो एलिमिनेशन से सेफ हो जाता है. इसका मतलब ये है कि आपके स्कोर चाहे कितने भी हो, आप बॉटम में हो या कहीं पे भी हो, अगर आपने वो 33 हासिल कर दिया तो आप सीधा सुरक्षित हो जाएंगे इस एलिमिनेशन से और आगे बढ़ते रहेंगे हमारे शो में. तो चलिए शुरू करते हैं एक और एक 11 का चैलेंज और बुलाते हैं हमारे पहले डांसर को. Wow! 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 Step to the
साथ में गेम पलटा है ना? क्या पलटा है भाई, अब आएगा मजा। अंजलि, यस मैम, क्या था ये परफॉर्मेंस यार, कमाल कर दिया है आज आपने। थैंक यू सो मच मैम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू टुडे कि आपने ये गेम पलटा है आज। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब होता है तो उसकी सराहना करना बहुत जरूरी है। क्या बात है यार, क्या बात है, ओए हाय। एक सेक्शन आया जहाँ पे अपने वादे के लिए जिस तरीके से आपने उसको रोका, फिर आप इंटरलॉक हो गई, फिर वो कनेक्शन यू नो हाथों से बना, और फिर आप साथ में साथ आए और आपने वो इमोट किया। एक और सेक्शन आया था जहाँ पे जिस तरह वो गिरे, बहुत प्यार से गिरे आप, अब ऐसे गिरे एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री फॉल। और जिस तरीके से आप स्लाइड करके उसके पैरों में चले गए, वाओ, मैं वहीं पर मतलब फैन हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सलामी, वेल डन, वेल डन, चुमेश्वरी। थैंक यू सर। सो जजेस, क्या इन्हें मिलेंगे बोनस पॉइंट्स? ऑलराइट, पिछले तीन हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल बनता है 87। अंजलि, हम लोग आज एक और एक ग्यारह की बात कर रहे हैं। यस यस। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में एक और एक ग्यारह कौन है? हाँ? 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 जो जो मैं समझ रही हूँ वही है। वही है? मुझे लगा ऐसे ये वाला नहीं है। ये वाला नहीं है। ये वाला? ये वाला तो कहीं देखा है? अरे ये तो ऑडिशन में आया था। यस। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो साहिर। अंजलि, उनको बुलाइए ना जरा। आजे दोस्त। आजे दोस्त, अच्छा आया। ये मेरा दोस्त है साहिल, आप तो जानते ही हो जी। तो हम दोनों की दोस्ती को 5 साल हो गए ना, मतलब अब हो जाएंगे 5 साल इस साल में। कौन गिन रहा है? मतलब मैं तो ऐसे ही बता रही थी। चलिए 5 साल हो गए, फिर 5 साल वैसे हो गए, पर पक्की दोस्ती 2-3 साल से। एक मिनट, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, दोस्ती और पक्की दोस्ती कैसे होती है? मतलब पहले दोस्ती थी ऐसा की हाँ, मतलब हाय हेलो वैसा वाला था। अब कैसा वाला है? सुष्मिता नूरपुर से थोड़ा कम। इन्होंने कहा कि ये वर्कशॉप में मिले। बिल्कुल। हमने साहिल के ऑडिशंस भी देखे हैं। आई थिंक कुछ हो जाना चाहिए। डेफिनेटली, ये नेकी और पूछ साहिल और अंजलि का मैजिक हमें देखना है। चले हो जाए। चिकने चेहरे हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी। क्या बात है यार, सो क्यूट। Lovely. Really sweet. I want to get
अरे वाह वाह ये सब क्या है, मुझे कहाँ लेके जा रही हो हंसवी? आप पहली बार राजस्थान आए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थान के अलग अलग रंग। मान गई, भारत की धरोहर का मान है, सबसे चोखा मारो राजस्थान है। फर्स्टली अनुराधा और हंसवी, शाबाशी दूंगा क्योंकि आपने हमारी जो लोक परंपरा है, जो कला है राजस्थान की, वो इस तरीके से दर्शाया है। चाहे वो कठपुतली का हो, चाहे वो कीले पे डांस हो, चाहे वो कालबेलिया हो, बट सिर्फ मुझे लगा कि गाना बहुत दौड़ रहा था और आप इसको कैच अप करने की कोशिश कर रहे थे। I wish they had a little bit more time to enjoy the step. जो folk dance का जो step है, कहीं ना कहीं वो जो नज़ाकत चाहिए, वो जो आँखों से जो ना आव भाव जो चाहिए, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। अनुराधा, once again, कहानी आपने अच्छी बुनी, लेकिन मुझे लगता है execution में थोड़ा सा वो रह गया। There was no synchronization between the two of you in at many places. तो एक और एक ग्यारह के लिए मुझे थोड़े से कम लगे, ओके?
तो आपका टोटल होता है 24. तीन हफ्ते के स्कोर्स के आधार पर आपका टोटल होता है 84. थैंक यू. दैट्स वेरी वेरी गुड. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. इंडिया एक और एक 11 चैलेंज में प्रेजेंटिंग इंडियाज बेस्ट डांसर, जिनका पहला स्कूल पहला गुरुकुल है, दिल्ली से अनिकेत चौहान और इनके बॉलीवुड कोरियोग्राफर रूपेश सोनी. ज्यादा ताला होगा. अरे भैया क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो. अरे यार मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा. बस इतनी सी बात, तो एक रिहर्सल करते हैं. और आपके लिए तो मैं ही भाभी बन जाता हूँ. ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया. आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया. मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार. हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय. लटकट रही आवरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए, ओ जाने सारी नगरिया. यार रुपेश, आपने स्लैपस्टिक को अपना हथियार बना लिया है. आपने जिस तरह से कॉमेडी को एक अलग अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया, आई फील लाइक आप मुझे ना वापस ले जाते हो इन टाइम टू लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट एरा, एंड स्टिल मुझे मॉडर्न डांसिंग दिखाई देता है. ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया. आप दोनों की साझेदारी, आप दोनों का टाइमिंग, आप दोनों की केमिस्ट्री, वाह कमाल है. थैंक यू सो मच. अनिकेत, जिस तरह से आप एक स्टेप में आप फेमिनिन थे और दूसरे स्टेप में आप वो मेल का ही करते, इट वाज सो फैंटास्टिक. तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए. और रुपेश, जिस तरह से आपने उसके स्ट्रेंथ को लेके उसको ट्विक किया है, आप एक लेवल उसको आगे लेके गए हैं, और आगे लेते हुए भी आपने उसका एसेंस बरकरार रखा है. अमेजिंगली डन. थैंक यू सो मच. और वो एक सेक्शन जहाँ पे रुपेश उस पर हाथ रखा था और वो इसके हाथ के अंडर से वो अलग अलग फुटवर्क कर रहा था, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट. यू सॉ दैट? इट जस्ट लुक्स एब्स्ट्रैक्ट. सुपर्ब. अगर आज एक और एक 11 का मुद्दा ये है कि दोनों की साझेदारी, दोनों का टीम वर्क और दोनों का पावर ऐसा होना चाहिए कि वो हमें मजबूर कर दे वो 11 देने के लिए, देन दिस वॉज दैट परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. तोता उड़.
है ना, उठ रुपे उठ। अनिकेत, पिछली बार आई रियली फेल्ट बैड बिकॉज आई वॉज रूटिंग फॉर यू, और मैं चाहती थी कि वो बैटल आप जीते, लेकिन होता है ना कि वो 0.5 या वो एक वो बोनस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो आज मिल रहा है तुम्हें, बिकॉज यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट देन एंड यू डिजर्व इट टूडे। पिछले 3 हफ्तों के परफॉर्मेंसेस के आधार पर उन सारे स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 89, लेकिन इस परफॉर्मेंस पे आपको मिले हैं 33, यानी कि आप सुरक्षित हैं एलिमिनेशन से, तो जोरदार तालियां हो जाएगी। ये दोनों बहुत मस्ती करते होंगे रिहर्सल के टाइम। मैम बहुत ज्यादा करते हैं। ये ऐसा बच्चा नहीं है, स्वीट बच्चा है, सिर्फ उसने वो मिमिक्री करी थी ना पिछली बार। Sounds exactly the same. तू बदमाश है क्या? मैं बदमाश नहीं, मिमिक्री कर लेता हूँ। कितने लोगों की करता है तू मिमिक्री? मैं भी देखना चाहती हूँ कौन कौन है, नाम लीजिए। सबसे पहले मैम समर्पण। तो दिखाइए कैसा है ये। It's first position. पकड़ा है यार। सो गुड। पिछले 1 हफ्ते से पूरे देश भर की 56 लाख लड़कियों ने अपनी गुल्लक तोड़ के आपके लिए 2 करोड़ की रिश्वत भेजी है। 2 करोड़ की रिश्वत? यस, हमें चाहिए ताकि आप नोरबू को वो बोनस 3 मार्क्स दे दे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, उन 56 लाख लड़कियों में 101 रुपए का योगदान हमारी सुष्मिता तमंग ने भी किया है। कहने का मतलब ये है कि जितने लीटर समुंदर में पानी है उतनी ही लड़कियों ने नोरबू को एलिमिनेशन से बचाने की ठानी है। सो इंडिया एक और एक 11 चैलेंज में प्रेजेंटिंग, जिनका स्टाइल बन चुका है ट्रेंड, सुष्मिता के जस्ट फ्रेंड सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से नोरबू तमंग, और इनके साथ आ रहे हैं उनके कोरियोग्राफर कुशोर शेट्टी। नो, आज एक और एक 11 में सब अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। नोरबू की स्ट्रेंथ तो हमको पता है क्या है, लेकिन जब से आप आए हो और आपने ये बताया ना कि सुष्मिता जस्ट फ्रेंड आपकी स्ट्रेंथ है, दो लड़कियां बहुत अपसेट हैं आपसे। आप ऐसे ना बात करके छोड़ देते हो, आगे भी बताइए, मेरे को जानना है। बुलाइए बुलाइए जरा दोनों लड़कियों को। अरे वहां से क्लियर हो जाओ सब लोग। कम 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 कम, यू कैन कम, यू कैन कम ऑन द सेट। अयो so sweet. So cute. So sweet.
मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है. नमस्ते मैम. नमस्ते. नमस्ते सर. नोटबुक की मम्मी, कैसे लग रहा है आपको नोटबुक को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है. और आज इधर में देखिए और भी बहुत अच्छा लग रहा है. नोरबू इसलिए टीवी में हीरो हीरो बोलता था, अभी तो इधर में तो पूरा दुबला पतला है मैम. नोरबू से इतना बात भी नहीं होता था. जो टीवी में तो सर बोलता था वही हम लोग देखता था, उसी से हम लोग खुश होता था. हमको तुषार ब्रॉडकास्टर से ही पता चला कि नोरबू आपको मिस कर रहा था. यस मैम, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मैं. कुछ दिनों से मैं मतलब बहुत हेक्टिक डेज चल रहा है. घर का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा याद आ रहा था मुझे. मम्मी का पैम्परिंग वगैरह होता है तो वो सब मिस कर रहा था कहीं ना कहीं. अब नई एनर्जी आई होगी ना? यस मैम. यस मैम. अभी हम चाहते हैं कि मम्मी और आपकी बहन लाइव आपको देखे परफॉर्म करते हुए. तो जजेस क्या मिल रहे हैं नोरबू को इस बार? +3 मिलेंगे जब नोरबू उस लेवल का परफॉर्मेंस देगा जहां पर वो मतलब कंधे से कंधा. अग्रीड. 19-20 नहीं. व्हाट अबाउट यू ऑल? आई बेग टू डिफर. मुझे देखना था कि 1 और 1 11 का पावर कितना है. तो एज अ जोड़ी फॉर द यूनिकनेस दैट यू ब्रिंग एंड फॉर द ग्रोथ दैट आई हैव सीन, -1. वाओ. तो मैं आपको बता दूं दैट तीनों हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 91. Fantastic. जय, आई थिंक हमको नोटबुक की मम्मी और बहन को बुला लेना चाहिए स्टेज पे. प्लीज आइए आइए आइए. कैसा लगा आपको नोटबुक का परफॉर्मेंस? अच्छा था. आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे भैया इतने आगे तक आ जाएंगे. बहुत मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको पता है ना कि नोरबू मेरे भैया है, तो वो पूछते रहते हैं कि नोरबू कैसा है, ऐसे पूछते रहते. अच्छा. इसका फॉलोइंग्स बढ़ रहे हैं. और आप लोग कहते हो ना कि क्यूट क्यूट है, बचपन में ऐसे नहीं था. लाइक वो बहुत ही छोटा सा गोलू मोलू चुपचाप, और उसका हाइट मेरे से भी छोटा था. Really? रवि मुझे ऐसे देखना पड़ता है उसको. नोरबू की मम्मा आपको कैसा लगा उसका परफॉर्मेंस? पहले टीवी में देखता था, आज तक इस मंच में नोरबू डांस करने वाला देखने मिल गया, बहुत अच्छा लगा. इसका मैं सोचा था अच्छे से पढ़ो, और इसका फैमिली में सभी ने सभी जॉब वाला है सर्विस में, और कोई आर्मी में और पुलिस में था. और इसका भी मैंने वही बनाना चाहता था, लेकिन नोरबू ने नहीं माना है. पूरा डांस डांस छोटा से इसे 5-6 क्लास पढ़ने के बाद में पूरा डांस करने के शुरू किए. तो नोरबू कपड़ा पहनता था इतना लंबा लंबा, पेन पहनता था इतना बड़ा बड़ा, और कपड़ा पहनता था 2-3 आदमी घुसने वाला इतना लंबा. बाल पहले से इसका लंबा करने का पूरा शौक था. तो नोरबू जाओ बाल काट के आओ, तो वो थोड़ा 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 काट के आता था. तो नोरबू को मैंने कभी सपोर्ट नहीं दिया. आज मैंने इधर में आके देखा तो नोरबू बेटा मेरा माफ कर दीजिए, आपका डांस में मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया. जोरदार ताला हो जाएगा इस नोरबू की फैमिली के लिए. एक और एक ग्यारह का ये जो कॉन्सेप्ट है, आपकी ज़िंदगी में कोई है ऐसा जो एक और एक ग्यारह बना देता है आप? मेरी ज़िंदगी में बहुत ही स्पेशल इंसान है जो आज हमारे बीच में है, मेरे भाई दीपेश. दीपेश. ऑलराइट. तो दीपेश से अभी हम और बातें करेंगे, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि दीपेश इनका लाइव परफॉर्मेंस देख ले. जोरदार ताला हो जाएगा इस. डॉक्टर साहब आज 18 साल गुजर गए और वो बीमारी हम दोनों भाइयों की दूरी को और भी बढ़ाती जा रही है. क्या वो कभी ठीक नहीं होगा? देखिए ऊपर वाले पे भरोसा रखिए,
मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्यार ही आप भाइयों के बीच की इस दरार को मिटा सकता है। जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ ये जो लगता है मुझे आपसे। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है तेरी outstanding. Wow, very touching. Whoa. You know, jo rishte चाहे वो दोस्त हो या कोई भी और चीज़ हो या कोई भी बॉस हो या कोई भी चीज़ जिसके साथ कुछ बिगड़ गया जो खून का रिश्ता नहीं होता इतनी ठेस नहीं पहुंचती है। तो आप अपने घर आ सकते हैं और यू नो यू कैन हैव सम स्पेस, लेकिन घर में ही अगर ये चल रहा है ना इट्स नॉट ईजी। तो मैं विपुल को फुल मार्क्स दूंगा आज बिकॉज जिस गहराई के साथ उसने इस एक्ट और इस इशू को समझा है और परफॉर्म करा है नॉट जस्ट विद एक्सप्रेशन बट डांस के जरिए तेरे याद साथ है। विपुल युवा चुम्मेश्वरी व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। क्या फीलिंग के साथ किया है भाई, व्हाट अ फीलिंग। ये क्राउन बनता है आप दोनों।
लाजवाब यार विपुल मैंने कहा था आई वॉन्ट टू सी अ वैरायटी आई वॉन्ट टू सी समथिंग डिफरेंट मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा तार छेड़ जाओगे व्हाट अ परफॉर्मेंस दिस वाज वेरी प्योर परफॉर्मेंस जिससे कहते हैं रक्तिम योर कोरियोग्राफी उसके लिए और विपुल आपके एग्जीक्यूशन के लिए ये बनता है क्या बात है हर मोड़ पे इस गाने में आपने कुछ अलग कुछ नया कुछ खूबसूरत पेश किया है वो ओपनिंग जहाँ पे आप माफ़ी मांग रहे हो आप पैर पकड़ रहे हो आप झटक रहे हो कॉम्प्लिकेटेड येट एफर्टलेस वो टूटना और आपका ट्विस्ट हो जाना जमीन पर व्हाट अ मोमेंट दैट वाज इस मंच पर फिर से कुछ नया लाने के लिए मेरी तरफ से ये बनता है किसी डांस को एक सीन की तरह ट्रीट करके उसको एक टेक में ऐसे स्टेज पे दिखाना ये मतलब अलग किस्म का कमाल है और अलग किस्म का टैलेंट है वेरी 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 वेल डन मेरी तरफ से भी ये Congratulations! इस परफॉर्मेंस में आपको मिले हैं 33 यानी कि आप सुरक्षित हैं एलिमिनेशन से तो जोरदार ताले हो जाए और तीन हफ्ते के परफॉर्मेंस के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 86 क्या बात है यार विपुल आपके भाई आए हैं यस सर ब्रदर का एक्ट भी किया है मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टेज पर आए आपसे कुछ बातें करें हम दीपेश एक्ट के बाद एक नजर मेरी आप पर भी गई और आप भी बहुत भावुक हो गए थे मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी इतनी डीप परफॉर्मेंस थी कि मुझसे रुका आयो सो क्यूट मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए अपनी अपनी बचपन की यादें याद आ गई दोनों अलग हो गए थे पिछले 7 साल पहले जब मैं कतर चला गया था तो और पिछले 6-7 साल में मैं इससे अब दूसरी या तीसरी बार मिल पा रहा हूँ क्योंकि कभी मौका ही नहीं लगा कि इससे मैं मिल पाऊँ अभी भी आप कतर में रहते हैं जी मैं अभी भी कतर में रहता हूँ स्पेशली देखने के लिए इतनी दूर से आए मुझसे रुका नहीं गया एक्चुअली मैं इसको थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए क्योंकि ये भी पहले डांस करता था हम दोनों ही डांस करते थे हाँ तो अगर ये शायद वो चीज़ छोड़ के आगे नहीं बढ़ता तो हम शायद दोनों ही नहीं कर पाते तो इसके डिसीजन से वो लोड मेरे पे कम हुआ और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाया इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ ये स्ट्रेंथ है हमारी फैमिली की इसी ने जोड़ के रखा है हम सबको मेरा गैप जो है इसी ने फिलअप किया है क्योंकि मैं तो फैमिली को इतना नहीं देख पाता तो टाइम टू टाइम यही सपोर्ट करता था यही मम्मी का ख्याल रखता था यही दादी जी का ख्याल रखता था
छोटा होकर ये बड़े वाले काम कर रहा है। उस टाइम हमारी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि हम इसको डांस क्लासेस अफोर्ड कर सकते थे। मगर इसके अंदर इतना पैशन था डांस को लेके, इतना ज़्यादा एग्रेशन था कि भाई मुझे करना है, तो ये रुका नहीं। इसने कभी पैसे भी नहीं मांगे और अलग अलग जगह गया, छोटे छोटे काम किए, कभी पैम्पलेट्स बांटे हैं, कभी लोगों की शादियों में कोरियोग्राफ करा है ताकि ये अपनी डांस की फीस मतलब पे कर सके। कितनी रातें इसने मतलब सोया नहीं इतने बड़े मंच पर पहुंचने के लिए। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको यहाँ देखकर। वाह, क्या बात है। आपने जो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैच्योरिटी है ना, इज जस्ट ब्रिलियंट। और वो मैच्योरिटी से अपने पर्सनल लाइफ में नहीं, आप अपने परफॉर्मेंस में भी दिखाते हो। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर परफॉर्मेंस लाइक दिस। पीपल, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए कतर से, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गाइस। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। सो इंडिया एक और एक 11 चैलेंज में प्रेजेंटिंग डांस का 56 भोग, सतना मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनकी कोरियोग्राफर श्वेता वारियर। शिवांशु, yes, ma'am. जब दुखता है ना, दर्द होता है ना, और दिल पे लगता है ना कि अच्छा करते हैं फिर भी मुझे मार्क नहीं मिला, उसके बाद जब परफॉर्मेंस आता है ना, वो ऐसा होता है। ये आप बात कही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are back with a bang. Right. Yes, ma'am. पहला दस देखने को मिल रहा है। यू शुड सी अनदर वन।
और तीसरा भी देख लो। शिवांशु। यस यस माँ। कैसा लग रहा है 30? बहुत तरसना पड़ा मैम इस 30 के लिए। पिछले दो परफॉर्मेंसेस से लोएस्ट स्कोर मिल रहा था पूरे एपिसोड का। ये जब ये वीक का पता चला कि आखिरी मौका है, सोच लिया था कि फोड़ देंगे इस बार। फोड़ा फोड़ा बिल्कुल मस्त फोड़ा बिल्कुल। मुझे लगता है 30 के बाद ना 31 देखने में भी बहुत मजा आएगा। सबसे लोएस्ट स्कोरर था, लेकिन 33 पाकर आप इस हफ्ते के एलिमिनेशन से सुरक्षित है। जोरदार तालियां। शिवांशु, जिस जज्बे के साथ आपने आज परफॉर्म किया है ना, मैं हिल गया। इट वॉज क्लियर इन योर आईज फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। जैसे आपका तबला का सेक्शन आया जहां पे आपने सोलो करा, कितना कंट्रोल था। That solo was bad. चुम्मेश्वरी, ये बनता है तेरे लिए। मैं वहां पे गई बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन। वन इज फॉर यू श्वेता, द क्वीन, द ओजी क्वीन, एंड दिस इज फॉर यू। वेल डन, well done, well done. God bless you, God bless you, God bless you, God bless. Shivanshu, meri taraf se chummeshwari stupendo sab le le aaj. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. तो शिवांशु, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले तीन हफ्तों के परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग दिस वन, आपका टोटल होता है 79. जजेस, हमारे अगले डांसर राम, जब 7 साल पहले घर से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि जब सफलता का मुकाम पाऊंगा तभी मैं लौट कर घर आऊंगा। और आज इंडियाज बेस्ट डांसर पर आके इन्होंने अपने टैलेंट से वो मुकाम हासिल किया है। पिछले हफ्ते उनका घर उनसे मिलने खुद इस मंच पर आया। राम, सो इंडिया 1 और 11 में प्रेजेंटिंग इंडियाज बेस्ट डांसर जीतकर जो करना चाहता है अपनी घर वापसी लुधियाना पंजाब से राम बेस्ट और इनके कोरियोग्राफर पंकज थापा।
क्या बात है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जोरदार ताली हो जाए। Lot of things went wrong there. So sad. But that was not for that, not their fault. The pyros went. About timing also, no? Pyro didn't go on. This one went off before timing. That is not him. He did a very good job. There are other issues. Like, there were other issues. All right, judges, जानते हैं आपसे। राम, जिस तरीके से आप अपने बीबॉइंग मूव्स करते हो, स्पेशली पावर मूव्स, बहुत डेंजरस लगता है दिखने में, बट आपको देखकर ना लगता कि नहीं, यू फील या मैन इट्स इजी। हालांकि इजी नहीं है, क्योंकि आपकी जो लैंडिंग्स है ना, कमाल की है। I find your technique amazing. मुझे वो लास्ट सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पे आपने पैरों पे पायरोज लगाए और वो कितने लंबे तक चला, और कहीं पर भी वो चिंगारी जो आ रही है वो कहीं पर भी आँख में जा सकती है। क्या जिगरा चाहिए वो करने के लिए। So Ram, well done. Thank you so much, sir. आज एक और एक 11 का एपिसोड है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और एक 2 का मैच बहुत अच्छा था, वो आप दोनों हैं। जो 11वां था वो 11 हो नहीं पाया, और मैं वो नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसका टाइमिंग और आपका मूवमेंट का मैच होना बहुत जरूरी था। सो जब भी आप कुछ ऐसा यूज करें तो ट्राई एंड मेक श्योर के उसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े। Yes. मुझे उस बात का दुख है, अदरवाइज आई थॉट इट वॉज अ वेरी नाइस एफर्ट। या थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैं राम की ग्रोथ देखना चाहती हूँ। अब मुझे मालूम है कि राम ये और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करता है, उसका मुकाबला उसमें कोई और नहीं कर सकता है, लेकिन मैं और भी चीज़ें देखना चाहती हूँ उससे। दिस इज फॉर यू। तो आपका टोटल होता है 26। पिछले 3 हफ्ते के परफॉर्मेंस के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 83। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो इंडिया, कल भी जारी रहने वाला है एक और एक 11 का ये चैलेंज, और साथ ही में कल होने वाला है इंडियाज बेस्ट डांसर का पहला एलिमिनेशन। तो कल कौन सा डांसर कहेगा इस मंच को अलविदा, ये जानने के लिए देखते रहिए इंडियाज बेस्ट डांसर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.